इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट राजीव गंगवार। वकील साहब, जानना चाह रहा हूँ, नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती सहला ताहिर के पति डॉक्टर ताहिर को कल पुलिस ने गिरफ्तार करके लखनऊ अपने साथ में ले गई, ये मामला क्या है पूरा? देखिए, कल रात 11 बजे डॉक्टर ताहिर को अरेस्ट किया गया है और ये कस्टम कोर्ट न्यायालय लखनऊ में जो वारंट जारी हुआ था इनके खिलाफ, तो पुलिस ने उठा के लखनऊ ले गई थी और जहां आज सुनवाई के बाद जो न्यायालय ने जमानत दे दी है, जमानती दाखिल हो चुके हैं और ये शाम तक जहां तक नौन पहुंचने की संभावना है इनकी। ये कस्टम वाली बात आप कह रहे हैं, ये मामला क्या है पूरा, जानकारी में है आपके? हाँ, थोड़ी जानकारी है। 98 का मुकदमा एक चल रहा है कस्टम वाला, उसमें शायद इनका नाम चार्जशीट में नहीं है या कॉग्निजेंस में नहीं है, फिर भी इनके खिलाफ वारंट आ गया था, वो अलग वजह है, वो कोर्ट न्यायालय उसे देख रहा है। फिलहाल इनकी बेल मिल गई है, बाहर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती सहला ताहिर बर्खास्त हो गई कल, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या वजह ऐसी रही जो इनके? देखिए, पहले भी बर्खास्त किया गया है, वित्तीय अधिकार सीज किए गए हैं और जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है, लेकिन एक पक्ष को ऑर्डर जो कर दिए जाते हैं वो हाई कोर्ट से ज़्यादातर जो है बहाल हो जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि जो अब की बार जो बर्खास्त किया गया है उसमें भी हाई कोर्ट से इनको जो है स्टे मिलने की संभावना है, क्योंकि कई उसमें आधार ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे जहाँ पर हाई कोर्ट से स्टे मिलेगा। क्या आधार आपको लग रहे हैं जिससे इनके लिए ये बहाल हो सकती हैं? देखिए, एक मामला पत्रावलियों को चला था, आपको पता होगा, पत्रावलियाँ आज तक थाने पर ही जमा है, उन पत्रावलियों को किसी ने रिलीज नहीं कराया है और जब तक वो पत्रावलियाँ रिलीज नहीं होंगी तो आरोप सिद्ध नहीं हो सकता कि किस पे क्या आरोप पाए जा रहे हैं गबन के कह के। इनका जो कार्यकाल है चेयरमैन साहब का, वो संभवतः 2 या 3 महीने बाद ख़त्म होने वाला है, नवंबर में फिर से चुनाव हैं, आपको क्या लग रहा है कार्यकाल खत्म होने से पहले बहाल हो सकती हैं, क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, कार्यकाल खत्म होने से पहले ही बहाल होंगी, क्योंकि ये जून आ रहा है, हालांकि जून में कोर्टें ज़्यादातर बंद हो जाती हैं, हाई कोर्ट बंद हो जाता है, लेकिन अर्जेंस मैटर कोर्ट में सुनती है जून में भी, तो जून में सुनवाई हो जाएगी, बहाल हो जाएंगी। एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या इनके पास में मजबूत ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि जून में बहाल हो सकती हैं, लग रहा है आपको कुछ मजबूत आधार मुझे बताएं? कुछ मजबूत आधार ये है कि कई बार जो इनको स्टे मिला है, पहले जाति वाला प्रमाण पत्र था वो भी स्टे मिला था कि एक बार डिसाइड हो चुका था, इस पर भी एक बार हाईकोर्ट से ऑर्डर आ गया, वित्तीय अधिकार सीज हुए, फिर से इनको बहाल कर दिया गया, तो अब की बार बर्खास्त किया गया है, उन्हीं सब आधारों को लेकर जाएंगी और वहाँ हाईकोर्ट से इनको जो है रिलीफ मिलेगी।